बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। समग्रम खित्ते की बदलती हुई सूरतहाल ने पाकिस्तान की अहमियत दुनिया भर के ममालिक में पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। इस वक्त अरब ममालिक काफी परेशान हैं, क्योंकि एक तो उनकी मईशत काफी खराब चल रही है और दूसरा यमन से हौसी बागी उन पर पे दर पे हमले करते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएई की सरजमीन पर हौसी बागियों की तरफ से बाकायदा हमले शुरू कर दिए गए। एक तरफ तो ये सब मामलात हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई एफएटीएफ से भी अब तंग आ चुके हैं। अब बाकायदा तौर पर यूएई ने पाकिस्तान से इस सारे मामले में मदद मांगी है, जबकि देखा जाए तो आज से चंद माह कबल तक यही यूएई भारत से अपनी मोहब्बत की पींगे बढ़ाता नजर आ रहा था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर भी इसी तरह से हमले होते और पाकिस्तान में धमाके होते थे, जैसा कि आजकल यूएई और सऊदी अरब इसका शिकार होने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ही एफएटीएफ में डाला गया और ये मगरबी ममालिक का पुराना वतीरा है कि मुस्लिम ममालिक की बढ़ती हुई ताकत को इसी तरह कम करके उन्हें फंसाया जाता है। अब यूएई चूंकि जियोपॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और उसने फ्रांस से जो राफेल तैयारों की डील की है उसे भी एक बड़ी वजह करार दिया जा रहा है कि यूएई को एफएटीएफ में शामिल किया जाएगा, क्योंकि यूएई ने अमेरिका का F-35 लेने से इनकार किया था और राफेल से पहले अमेरिका से F-35 की डील होना थी। लेकिन फ्रांस से यूएई ने राफेल की डील कर ली, जिससे अमेरिका को काफी गुस्सा है कि यूएई ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका एक सुपर पावर है और सुपर पावर के साथ ऐसा करना अपने आप को दुनिया के बड़े इदारों के अगेंस्ट करना होता है। अब एफएटीएफ ने यूएई को वार्निंग जारी की है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में उसे शामिल किया जा सकता है। एफएटीएफ का कहना है कि चूंकि यूएई हमारे पॉइंट्स पर सही तरीके से अमल नहीं कर रहा, मनी लॉन्ड्रिंग में यूएई काबू पाने में नाकाम रहा है, इसलिए किसी भी वक्त यूएई को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। इससे पहले एफएटीएफ ने तुर्की को भी ऐसे ही वार्निंग देकर बाद में ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, यानी कि मुस्लिम ममालिक को ही घेरा जा रहा है। सवाल ये है कि एफएटीएफ ये क्यों कर रहा है? पाकिस्तान, तुर्की या फिर यूएई से एफएटीएफ को या फिर मगरबी ममालिक को आखिर खौफ क्या है? गुज़श्ता रोज पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और यूएई के वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोन पर काफी देर बात हुई और बाकायदा तौर पर यूएई ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और यूएई एक दूसरे की मदद करेंगे, खासकर पाकिस्तान एफएटीएफ के मामले में यूएई की मदद करेगा। मदद ऐसे कि पाकिस्तान ने चूंकि एफएटीएफ के काफी पॉइंट्स पर अमल दरामद किया है और यूएई चाहता है कि पाकिस्तान हमें भी बताए कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ताकि हम ग्रे लिस्ट में जाने से पहले ही बच जाए और इन पॉइंट्स पर अमल दरामद कर लें। लेकिन यूएई जितनी मर्जी मेहनत कर ले, अगर तो वेस्ट ने डिसाइड कर लिया है कि यूएई को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा तो फिर यूएई को इस लिस्ट में डाला जरूर जाएगा, क्योंकि यूएई इस वक्त तुर्की और चीन के बहुत करीब जा रहा है और पाकिस्तान भी चीन के काफी करीब है। इसी तरह यूएई की चीन से कुर्बत वेस्ट को हजम नहीं हो रही, तो इसको भी इसी सेटअप में शामिल किया जा रहा है और वेस्ट ने एफएटीएफ को इसी मकसद के लिए बनाया है कि वो ममालिक जो जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनको रूस और चीन से दूर रखा जाए और उन्हें इतना मजबूर किया जाए कि वो उनकी मदद करने के बजाय हमारे ब्लॉक में शामिल हों। पाकिस्तान को भी उसी वक्त एफएटीएफ में शामिल किया गया था जब पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर का मंसूबा शुरू किया था और आज तक पाकिस्तान उसकी ग्रे लिस्ट में है। हालांकि पाकिस्तान ने एफएटीएफ की कई शरायत मानी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को अभी तक ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।